साजिश, ये जो आपकी दावते शहरी है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? और जो मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ आती हैं एक यू नो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स में, क्या इतना ज़्यादा भाईचारे का ये प्रतीक है, क्या कहना चाहिए? आई वुड लव टू थैंक रेहान, थैंक्स अ लॉट, उन्होंने इन्वाइट किया और उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे सहरी पार्टी रखा है. एंड एक्चुअली नाउ इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो वहाँ पे बॉम्बे में सब अलग अलग मजहब के लोग आते हैं सहरी पार्टी में, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. और इतना अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया है, प्रोग्राम किया है, थैंक्स अ लॉट टू रेहान, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द सहरी. पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री है, बहुत कम टाइम होता है उनके पास यू नो एक साथ मिलना, तो ये बताइए कि ये कितना ज़रूरी होता है कि इस तरह के इवेंट्स हो और भी ज़्यादा यू नो लोग मिलने जुलें आपस में, आप शेयर करें अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी वर्क है उसको शेयर करें, उस चीज़ को क्या कहना चाहिए? ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग एक दूसरे से मिले जुलें. एंड दावत एंड सहरी एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा जब आप खाना खाते हो शेयर करते हो, और वो भी एक जब एक स्पेशल ओकेजन का होता है जो रिलीजियस उसके अंडरटोन्स रहते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू कनेक्ट, मीट पीपल, और एक अपना ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, भाईचारा जिसको कहा जाता है, वो थोड़ा सा आपस में बढ़ता है. एंड एंड सबको एक बेस्ट विशेज़ देने का, एक पर्सनली मिलके एक बेस्ट विशेज़ देने का एक अलग अवसर मिलता है, क्योंकि अक्सर तो आजकल लोग डिजिटली लोगों को मैसेज करते हैं, बेस्ट विशेज़ करते हैं, पर एक पर्सनली जब आप मिलके किसी को विश करते हो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है. यस, माई फिल्म जस्ट गॉट रिलीज लास्ट नवंबर, एंड आई एम स्टार्टिंग, आई मीन आई जस्ट साइन टू फिल्म्स नाउ, एंड माई नेक्स्ट फिल्म इज स्टार्टिंग इन लाइक आई थिंक अगस्त, दे विल स्टार्ट द फर्स्ट शेड्यूल. My next film, it sounds controversial, but it's not. It's called Viagra. So it's about the illegal trade of medicines. जो illegal market में दवाइयाँ मिलती हैं without doctor के prescription के, और काफ़ी लोग हैं इस दवाइयों को खा के जो मर जाते हैं, और काफ़ी सारे legal issues हैं, government भी इससे काफ़ी परेशान है, FDA भी परेशान है, और किस तरह दवाइयाँ internationally market में supply हो जाती हैं, and everybody is all over the Europe, America, and it's a very international issue. तो उसके ऊपर ये मेरी नेक्स्ट मूवी है, एंड आई एम वेरी लकी टू बी साइन फॉर इट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि फटाफट शूटिंग शुरू हो, एंड आई विल बी लाइक पार्ट ऑफ इट. और एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन इंसान है, और आज जो रमजान के हमारा त्यौहार है उसके उपलक्ष्य में आज जो इन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको शुभकामना देने के लिए आया हूँ. और मैं दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का फाउंडर हूँ, और मैं उनका मित्र हूँ. और एहसान रेहान जी को मैं 10 वर्षों से जानता हूँ, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और सबके दुखों में खड़ा रहते हैं. जो इंसान अगर किसी के दुख में खड़ा रहता है उसी को हम अपना दोस्त समझते हैं और अपना समझते हैं. आज उनके सारे दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, आज उनका त्यौहार है, उनको बधाई देने के लिए मैं आया हूँ. रेहान जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक इतने अच्छे सोशल करते हुए कि जितने भी बॉम्बे में पब नाइट है उसमें अंडर 18 के जो बच्चे जाते हैं उसका विरोध करते हैं. जितने भी बॉम्बे में मुंबई में पब है उसमें अगर चरस गांजा अफीम कोई भी सेवन करता है उसका विरोध करते हैं. पूरी मुंबई में जितने भी पब है उनका हर जगह लेटर अप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप ऐसा गलत काम ना करें. और रेहान जी आने वाले समय में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पूरे इंडिया में ये मैसेज करिए, आप नहीं जा सकते हैं आप फैक्स कर दीजिए, आप मेल कर दीजिए. और रेहान जी को मैं आज इतने अच्छे त्यौहार उनका रमजान है और उनका आज फेस्टिवल है तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. पहली बात तो मैं सबको दिल से तहे दिल से हैप्पी हैप्पी रमज़ान बोलना चाहूँगी. दूसरी बात यह है कि इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी पाक चीज़ है कि आपको सब जाति को सब धर्म को यहाँ पे एक साथ जोड़ा जाता है, ये हमारे अपने आप के लिए बहुत ही फख्र और बहुत ही प्राउड की बात है. सेकेंडली जो लोग ये चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कास्टों को लेके इसको उसको लेके, आई थिंक उनसे एक लेसन मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये कुछ दिन पहले भी मैं डिबेट में गई थी तो वहाँ पे इसी टॉपिक पे बात हुआ था कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में यही बहुत अच्छी खास बात है कि हम ना यहाँ पे छोटा ना बड़ा और ना मोटा ना पतला, यू नो, ना पैसे वाला ना छोटा वाला, कुछ ऐसा देखते नहीं है. हम सब एक दूसरे को यहाँ पे जुट रखते हैं, वो चाहे वेज हो चाहे नॉनवेज है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं जो भी धर्म है. तो मुझे एक तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, एक तो थोड़ा सा ख़राब लगा, मैंने थोड़े छोटे कपड़े पहन लिए, मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे मॉड होंगे, तो ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा अपने आप में. और अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इन्वाइट किया,
और इतना अच्छा ऑनर दिया, तो आई एम वेरी 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 थैंक्सफुल टू देम। और प्रोफेशनल क्या हो रही है, क्या कर रहा है? मेरी एक तो थोड़ी सी मेहनत जो सफल हुई थी, डोरवेल आई थी, वो आप लोग ने देखा, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी मेहनत कर रही हूँ, जो भी कोशिश कर रही हूँ, जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो आने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊँ तो अच्छा, बिकॉज वो आप लोग के बिना तो इनकम्प्लीट है। तो अगर मैं अभी से एडवांस बता दूँगी तो शायद आप लोग शायद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो मैं बाद में आप लोग बताऊँगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी ईद फ्रॉम तनिषा सिंह और लव यू, थैंक यू, थैंक यू। देखा होगा आपके आ जाने से, कैसा लगा आपको उनका परफॉर्म और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब एक आम आदमी भी एंटरटेनमेंट कर सकता है? नॉट ऑफ कोर्स कर सकता है, और एक आम आदमी, मैंने कहूँगी कि हम भी आर्टिस्ट हैं, लोग काफ़ी ट्रेनिंग वनिंग लेके ये सब आते हैं, तो काफ़ी लोग ट्रेनिंग वगैरह लेके आते हैं, तो हम तो कहते हैं कि ही इज़ अ बेस्ट डांसर और शी इज़ अ बेस्ट डांसर, बट एक जो नॉन फिल्मी या फिर नॉन ट्रेनर अगर कुछ कर ले तो उसको एक्चुअली टैलेंट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट, उन्होंने काफ़ी बेस्ट किया है। कितनी बार देखा आपने उस वीडियो को और क्या उसमें खास क्या लगा आपको, स्टाइल उनका, वो गर्दन या जो देसी तड़का जिसको बोलते हैं, क्या खास बात है? अब मैं गिन के तो नहीं बता सकती, बस देख लिया। कितने बार देखा था? बार मत पूछो, देख लिया, बस देख लिया, ठीक है? ओके ओके दादा, थैंक यू। जिसमें रात दिन दोनी चौगुनी को तरक्की दे और हमेशा लोगों को याद करते रहें, इसी लोगों को मिलाते रहें, शुक्रिया, थैंक यू रेहान भाई और आप सबका। दावत शहरी ये प्रोग्राम में रेहान भाई ने जो आज रखा हुआ प्रोग्राम है, उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ये जो महीना है, सब मेरे मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से सबको शुभकामना, धन्यवाद। क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है वो बहुत, मतलब व्हाट आई से, आई जस्ट से कि हैप्पी रहना चाहिए और अच्छी तरह से आता है, खुश मिसाज आता है, और जो भी जिन्होंने भी ये पार्टी दी है, जिस तरह से दी है, बहुत दिल से तह दिल से दी है, और हमें उस चीज़ का आदर करना चाहिए, और हम आदर कर भी रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं रमज़ान की शुभकामनाएं दूंगा आप सबको, साथ साथ में एडवांस में मुबारक भी कहूँगा। और एहसान भाई का ये ऐसा पहला कार्यक्रम नहीं है जो उन्होंने यहाँ पर रखा है, इसके अलावा भी वो कई ऐसे सोशल वर्क करते हैं, कई ऐसे गेट टुगेदर करते हैं जिससे लोगों में एक दूसरे से काफ़ी मुलाकात होती है, एक दूसरे के अंदर काफ़ी मिलजुल होता है, प्यार होता है। मैं इसके लिए एहसान भाई का वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर हम काफ़ी लोग, काफ़ी बड़े हस्ती यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे भी मुलाकात हुई मेरी, और एक गेट टुगेदर के नाते हम लोगों के आपस के अंदर जो एक तालमेल मेलजोल होता है, वो समाज को आगे काम करने के लिए काफ़ी फ़ायदा देता है। मैं एक बार फिर आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा और ईद की मुबारकबाद एडवांस में दूंगा, और एहसान भाई का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतना अच्छा पार्टी रखे और इतना बेहतरीन पार्टी रखे, कि मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी शहरी की दावत इससे पहले कहीं हुई नहीं होगी जो उन्होंने यहाँ पर, ठीक है? रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सुबह से रोज़ा रखते हैं और मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद जब हमें मौका मिलता है तो जो अच्छे अच्छे पकवान होते हैं, जो अच्छी अच्छी डिशेज़ होती है, इसका लुत्फ़ उठाते हैं, और इट्स ऑल्सो अ मंथ जहाँ पे हम एक साथ एकजुट होके नमाज़ पढ़ते हैं और साथ में अच्छा वक्त गुजारते हैं। आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है लोगों को एक साथ एकजुट होना, और एक मौका मिलता है, एक ये मुबारक महीना है रमज़ान का जहाँ हम सब एक साथ आते हैं और साथ में ही इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। और टीवी सीरियल में आजकल बिजी हो, काम भी कर रहे हो, और ऐसे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो कितना डिफिकल्ट होता है रोज़ा रखना, और कितना रोज़ा रखना परेशानी तब होता है जब आपके दिमाग में होता है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। आई थिंक ये फ़र्ज़ है हर किसी पे, आपके ऊपर ऑप्शन नहीं है कि आपको रखना है या नहीं रखना है, तो फ़र्ज़ जो होता है वो आपको करना पड़ता है, और आप अगर सोचे नहीं कि अगर कोई बड़ी बात है, आई थिंक बहुत आसानी से निकल जाता है रोज़ा। कितने रोज़े हो गए? मेरे कुछ रोज़े छूटे हैं, बट कोशिश करता मैं सबसे ज़्यादा रोज़ा रखने की। मैम What do you know about Ramadan? Just say about it.
It's a special time for all Muslim people because it's an amazing period to think about your soul, to think about what is important, think about the family, to meet your family. That's the main amazing moment. So wish everybody have patience and love, especially in this time of life. It's very important. Thank you so much. ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही, ईद मुबारक आप सभी को जो अपने माँ बाप अपने घर पे अपने वालदान के साथ ईद मना रहे हैं उनको बहुत मज़ा आएगा। जो नहीं मना रहे हैं, हम जैसे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी कोशिश करेंगे ईद के लुत्फ़ उठाने की। क्या कुछ चल रहा है निजी लाइफ में और सीरियल या कुछ क्या देख पाएंगे नया इस ईद में? फिलहाल मैं शो कर रहा हूँ एन टी वी पे जिसका नाम है अग्नि फेरा, आई थिंक 8 बजे आता है। जी बिल्कुल 8 बजे आता है, ज़रूर देखिए। अच्छा काम कर रहा हूँ, बड़े दिल से काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। की जाए तो एक बहुत बड़ा सवाब का काम है और जिस तरह हमारे दोस्त एहसान रियान ने ये अच्छा काम किया है आज शहरी रख कर, कई लोगों को भूख से बचाएंगे वो, एक्चुअली हमारे जैसे लोगों को जो शाम से निकले हैं काम से और कुछ खाए नहीं अभी तक, तो हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। दूसरी चीज़, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए ये एक ऐसा पर्व है कि जब आप खुदा और भगवान के नज़दीक जाते हैं, एक महीना ये बहुत मुबारक महीना है, आप इस एक महीने में अपने 11 महीने के गुनाहों को माफ़ करा सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मेरे कितने हिंदू दोस्त हैं जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, उनका मकसद एक ही है कि जितने गुनाह हैं, जितनी बुराइयां हैं समाज में, वो दूर हों उनसे। और ये बहुत अच्छा काम है, एहसान भाई को अल्लाह इस चीज़ का अज़र दे और कुव्वत दे कि वो हर साल इंशाल्लाह ये इस तरह का शहरी का जो शहरी की जो रात है वो आयोजित करते रहें। थैंक यू। एहसान भाई आप क्या कहना चाहोगे इस शुभ अवसर पर, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और रात के 12-1 बज रहे हैं, आपका लाड़ प्यार मतलब देने के लिए लोग इकट्ठा हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 12-1 तो बज रहे हैं लेकिन ये जो मामला है सुबह 4 बजे तक होता है शहरी का, वो आते रहेंगे और ये हर साल मैं रखता हूँ शहरी का प्रोग्राम और काफ़ी लोग आते हैं, वाहिद भाई भी हर साल आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये रखने से, क्योंकि सभी लोगों का एक साथ मिलना जुलना होता है, फिर सभी धर्म के लोग आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है करने का, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा रख सकूँ और मतलब सभी लोग आते हैं, अमीर हो गरीब हो। और समय राष्ट्रीय न्यूज़ का आज एनुअल डे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं वो हमारे सलामत भाई हैं। आइए सलामत भाई जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? एनुअल डे है आज, समय राष्ट्रीय न्यूज़ का पहला साल है और यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो रेहान सर से जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यूज़ चैनल के बारे में और क्या IIT IT हेड भी आपको बनाया गया? जी जी, क्या कहना चाहिए? इन्होंने मुझे इस पोस्ट से नवाजा है और मैं कोशिश करूँगा कि इस पोस्ट में मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और ये चैनल जो है आगे चल के और अच्छा चलेगा और इसमें वाहिद भाई का भी सहयोग रहेगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वाहिद भाई हमारे साथ जुड़े रहें इसमें और कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा है और आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको एक 24 आवर्स में लाने की कोशिश करें। कितनी सच्चाई और ईमानदारी नज़र आती है इसमें समय राष्ट्रीय न्यूज़? ईमानदारी और सच्चाई आप प्रोमो में भी देख सकते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इवन यूट्यूब के सलामत जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छा कर रहे हैं हम लोग और अभी कोशिश कर रहे हैं 24 आवर्स चालू। सलामत आप क्या कहना चाहोगे? कोशिश चल रही है, 24 आवर्स की कोशिश चल रही है और समय राष्ट्रीय न्यूज़ ने कई सारे मुद्दे उठाए हैं जो समय समय पर समाज से जुड़े हुए होते थे, उसको अंत तक पहुंचाया है। हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो मुद्दे समय राष्ट्रीय न्यूज़ उठाता है उसको अपने मंजिल तक पहुंचाए और इसी में शायद यही वजह है कि लोग इससे जुड़ते जाते हैं। चैलेंज भी आता है सच्चाई को चैलेंज के लिए लोगों तक, चैलेंज काफ़ी आता है, परेशानी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है लेकिन फिर उसके बाद में कहीं रेहान जैसे जब कंधों का कंधा मिलता है तो मुश्किलें आसान हो जाती है और उम्मीद है ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये इसी तरह चलता रहे। विश्व ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
जो आयोजित की जो दावती जहरी है, अलग अलग धर्म के लोग आए हैं और इस मौके पर भाईचारे का एक प्रतीक देखने को मिलता, क्या कहना चाहेंगे? दिस इज़ रियली गुड और हमेशा हर साल एहसान जी रखते हैं ईद का, क्या बोलते हैं, सहरी पार्टी. सो इट्स रियली अ नाइस जेस्चर और लोगों से मिलते हैं, सब मिलते हैं साथ में और इट्स रियली नाइस. या इट्स वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू.